मेरी फैमिली ही ऐसी है वो बैठे नहीं। मैं कहा यार भाई खाना खा लो, कहता नहीं खाना नहीं खाना, तू थल्ले आ। तू थल्ले आ। लोग जो है वो पागल हो चुके हैं रजत भाई को देखकर। वो उधर मौजूद है रजत भाई, हम लोग क्योंकि लेडीज वाली साइड पे हैं तो इसलिए हम लोग दूर हैं थोड़ा सा, बट जो है हम लोग आप लोगों के साथ फुल करके जो है वो शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शनीला मेकअप व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना अगर आप लोग जो है रजब फैमिली के मेंबर्स हैं ना, और अगर आप चाह रहे हैं ना कि जो अफ्तारी पे हुआ है वो आप हर चीज देख सकें और अफ्तारी कैसी हुई है और रजब भाई वो जो पार्सल इतने वापस आए हैं वो क्यों आए हैं, तो क्या सिचुएशन थी, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हर चीज में दिखाऊंगी, हर वीडियो दिखाऊंगी, हर क्लिप के साथ दिखाऊंगी कि क्या हुआ। रजब भाई ने जो इंतजाम किए थे वो इतने जबरदस्त किए हुए थे ना, बट यार कुछ पता नहीं लोगों में एक्साइटमेंट ज्यादा थी कि क्या बात थी कि मैं आपको लोगों को बता नहीं सकती, कि लोग पागल हुए हुए थे कि उन्हें किसी चीज की खबर नहीं थी। और जो जो सिचुएशन बाहर सिचुएशन रही है और जो इमाम बारगाह के अंदर औरतों वाली साइड पे सिचुएशन रही है ना, वो हर चीज आप लोगों को आज के इस व्लॉग में मैं दिखाऊंगी। जो है आवाम बेसब्री के साथ वेट कर रही थी और आप सब लोग देख सकते हैं कि उनकी नजरें जो है वो इमाम बारगाह के अंदर ही टिकी हुई हैं कि शायद रजब भाई शायद अंदर मौजूद हों, बट ऐसा नहीं है। रजब भाई एक दफा आए थे लेकिन वो फिर वापस चले गए थे। इर्द गिर्द के जो लोग थे वो छतों पे निकले हुए थे, छतों पे खड़े थे और जितने माहौल में अगर आपको बताऊँ ना तो बहुत ज़बरदस्त माहौल था। लेकिन फिर वही बात कि जो रजब फैमिली ने अम्मा जो भाई का हाल किया है, भाई का हाल किया यहाँ में जी। फाइनली जो है वो गेट ओपन हो गया, तो इतनी मुश्किल हुई है हमें अंदर जाने में कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये जो मेरे सामने आगे लेडी हैं उनके साथ छोटा सा बच्चा था, उनको प्रोटेक्ट किया, उनको बड़ी मुश्किल से मैं अंदर लेके गई हूँ ताकि उनके बच्चे के कहीं चोट वगैरह ना लग जाए। और इतनी टेंशन हुई अब, इतने धक्के इतने मुक्के, मैं हैरान हूँ कि जब गुजरना है हर किसी ने गुजरना है तो इतनी बेचैनी किस बात की है, हम सब ने पहुँच ही जाना है। फाइनली गाइज यहाँ पर जो है हम इमाम बारगाह के अंदर मौजूद थे और आप लोग देख लें फाइनली यहाँ पर एंटर हो चुके हैं इमाम बारगाह में और हम लोग जो है वो अपनी लोकेशन की तरफ जाएंगे ताकि फौरन से जो यहाँ पे जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो सब बैठ चुकी हैं और जेंट्स जो है उनकी अभी एंट्री नहीं हुई। बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा जो है रजब भाई ने हमेशा की तरह प्रूव कर दिया कि वाकई वो रजब फैमिली को अपनी फैमिली का मेंबर मानते ही नहीं बल्कि जो है वो समझते भी हैं। यहाँ पे माशाल्लाह से अफ्तारी का जो सामान है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है, और सर्व करना भी स्टार्ट हो गया था। लेकिन वही बात, कोई नहीं बैठ रहा था और किसी को ये था कि शायद रजब भाई अभी आ जाएंगे। कोई सुकून के साथ अफ्तारी नहीं कर रहा था, हर किसी को ये था पिक्चर्स बना लें, वीडियोस बना लें। तो बस फिर जी 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 जी
यहाँ पे फाइनली रजब भाई के जो फादर हैं, अंकल जी हैं, वो टेरेस पे आ गए थे और वो अपनी आवाम को, अपनी रजब फैमिली को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बट रजब फैमिली की जो एक्साइटमेंट थी ना, वो उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। इतने बेताब थे कि फटाफट से रजब भाई आ जाएं और वो उन्हें देख लें। लेकिन रजब भाई जो है वो इफ्तारी के बाद जो है वो अपनी आवाम के दरमियान में आएंगे, यही बार बार सुनकर आवाम जो है वो पागल हुई हुई थी। और किसी को खाना खाने की थी या कुछ उन्हें यह था कि बस रजब भाई आ जाएँ। तो यहाँ पर जो है रजत भाई की ऑडियंस को कंट्रोल रजत भाई खुद कर रहे थे। रजत भाई यहाँ पे मौजूद तो नहीं है, बट यहाँ पे जो है रजत भाई को वीडियो कॉल में लेकर आवाम को बताया जा रहा था और आवाम को ये कहा जा रहा था आप लोग सुकून करें, रजत भाई आप लोगों के दरमियान में ज़रूर आएंगे, आप लोग वेट करें। सो फाइनली गाइज, रजब भाई जो है वो इमाम बारगाह के सामने मौजूद हैं। ये बाहर का मंजर है, आप लोग देख सकते हैं आवाम, बच्चे और रजब फैमिली के मेंबर किस तरह बेताब हुए हुए हैं, किस तरह पागल हुए हुए हैं कि वो जल्दी से जल्दी इमाम बारगाह के अंदर पहुंच जाएं और अपनी दरमियान अपनी जो आवाम है उसके दरमियान में पहुँचें और अपनी ऑडियंस से मिलें, मीटअप करें वो सबके साथ। बट जो है आप लोग देख लें, इतने मैं कहती हूँ कि इतना आवाम ने परेशान किया, इतना परेशान किया, और रजब भाई ने एक दफ़ा भी जो है ना कि माथे के ऊपर ना एक शिकन, आप लोग मैं कहूँ ना वो शिकन तक नहीं आने दी। इतने वो रहे हैं, पुरसकून रहे हैं, मैं कहती हूँ कि छोड़ बात दें आप। गाइस ये वो वाला मंजर है जब खाना बांटा जा रहा था, ये हाल हुआ है उनके अंदर। वो सही कह रहे हैं, उन्होंने रजब भाई ने हर बंदी के लिए, जितने भी उनके फैमिली मेंबर्स थे ना, सब के लिए इफ्तार बॉक्स जो है रेडी करवाए थे। और वो ऐसे वैसे नहीं, बहुत अच्छा इफ्तार उनका इंतजाम थे। बट वही बात आ जाती है कि हम लोग जो हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकते या अपने हक का वेट नहीं कर सकते। Yeah!
अवैस जो है वो सब गर्ल्स को कंट्रोल कर रहे थे कि आप लोग जो है वो वेट करें, कोई मसला नहीं है, रजत भाई अब आप लोगों के दरमियान में मौजूद होंगे। बट यहाँ पे जो हैदर भाई का हाल हुआ है पिक्चर्स लेने में और बच्चों ने वो जो हाल किया ना, मैं आप लोग बता नहीं सकती, बट फिर भी वो वही बात आ जाती है कि रजत फैमिली के मेम्बर्स हों और रजत भाई के दोस्त हों या कोई भी उनके भाइयों जैसे हैं भाई हैदर भी, और अब यकीन करें कि एक दफ़ा नहीं उन्होंने किसी से बात करते हुए या पिक्चर किसी के साथ लेते हुए अपने माथे पर एक बल लाया उनके, या जितना उन्हें हर किसी ने तंग किया है ना, तो ज़रा भी वो तंग हुए किसी से भी। यहाँ पर मुझे उत्ताद ऑक्सी बन गए थे और तुम्हारे साथ डब्बे पड़े हैं, तो ऐसी ही लेडीज पड़ गई। मुझे पता नहीं किसने बोला कि जी भी जरा जाके वहां पे जाए, मैं बड़ा कि गेट्स ओपन हो गई है, रजत भाई अंदर ही आना, बट नहीं कि हम जाके बांट के आएंगे, बांट के आएंगे, ये बांटना ही था। और मेरी फैमिली ही ऐसी है, वो बैठे ही नहीं। मैं कहा यार भाई खाना खा लो, कहता नहीं नहीं खाना नहीं खाना, तू थल्ले आ। यहाँ पर रजत भाई फाइनली गर्ल्स के अंदर मौजूद थे और आप यकीन करें बच्चों ने इतना उन्हें तंग किया है। रजत भाई यहाँ में नीचे बैठ चुके थे बट फिर भी किसी बच्चे को नहीं डांटा, किसी को नहीं कुछ की कहा, इतने प्यार से हर किसी को डील कर रहे हैं, हर किसी का कैमरा पकड़ पकड़ के उनके फ़ोनों में अपनी पिक्चर्स बना रहे हैं, हर किसी के साथ जैसे उन्होंने कहा था ना वैसे ही उन्होंने हर बंदे को शॉर्ट आउट दिया, हर किसी के साथ कोऑपरेट किया। बाकी अल्लाह ताला रजत भाई को ढेरों तरक्कियाँ दे, ढेरों कामयाब दे, इतनी इज्जत दे मेरा मौला कि वो संभालते ना थके, इतनी मेरा अल्लाह ताला उन्हें इज्जत दे दे। बाकी यहाँ गाइस इतनी थकावट हो गई है ना, क्यों क्या बताऊँ आपको गाइस, पानी शानी हमने ले लिया है और अब घर के लिए निकलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट हो गई है। बाकी अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।